तुमने वक्त को ना पहचाना तो तू बहुत पछताएगा। वक्त आगे बढ़ता जाएगा, तू वही खड़ा रह जाएगा। वक्त ना कभी रुका है, वक्त ना कभी रुका है, ना कोई इसको रोक पाएगा। जो पछताएगा वो वक्त नहीं, वो तू खुद पछताएगा। वक्त, टाइम, समय, जिसकी मैं गल कर रहे हैं आज देश चर्चा दे विच, एक खुली चर्चा है आज थोड़े नाल। वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट, समय का महत्व की है साथियों। जे समय के महत्व है तो उसनू मैनेज किवें करना है, इसके बारे एक खुली चर्चा थोड़े नाल करन जा रहे हैं। आज कोई जानकारी हित नहीं, एक मानसिक सांझ है थोड़े नाल। जिंदगी नू जीन दी कला है जेकर सानू अपने वक्त नू मैनेज करना आ गया। कुछ गल्लां सांझियां करदे आं। वक्त इन्ना महत्वपूर्ण क्यों है, वैल्यू ऑफ टाइम क्यों है भी, इसके बारे थोड़ा सोचो। ये मैं नहीं कह रहा, सदियां तो साडे ग्रंथ, साडे महापुरुष स्कॉलर्स बार बार कहते आए ने, टाइम वंस लॉस्ट नैवर कम्स बैक, जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। शेक्सपियर वर्गा जो ड्रामा किंग है इंग्लिश लिटरेचर का, उसने भी कहा सी, जो समय नु नष्ट करता है समा उसनु नष्ट कर देता है। पंजाबी दे विच तां होर बड़ी खूबसूरती दे नाल कहा गया है वक्त दे बारे, समय दे बारे, ए ठहरन जांच ना जानदा, जो लंघ गया मुड़ के ना आमदा। वक्त जेकर इसका एहसास करना है, जो असी अज मॉडर्न क्लॉक असी अपने घरां दे विच देखते हैं, अजकल तो होर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, साडे मोबाइल सेट के उत्ते भी क्लॉक है, अलार्म क्लॉक के रूप के सानू वक्त दे गुजर जाण दा एहसास करवांदा है, ते सानू अलर्ट करदा है। जेकर कोई व्यक्ति सवेरे अलार्म लगांदा है तो उसनू अलर्ट करदा है, उठ तेरे काम करन दा वक्त शुरू हो चुके है। परंतु पर असी इंसान पता नहीं सवेरे उठते हुए किन्ने ही हाथ होंदे ने जो धाड़दे ने उस क्लॉक दे उपर वसदे ने, या मोबाइल दे उत्ते इस तरह चलदी हुई उंगली उस क्लॉक नू चुप करा देंदे ने। बहुत सारे एक्टिव व्यक्ति तो उठ के तुरंत काम ते लग जांदे ने, ते उहनां दा दिन बड़ा सुहावना निकलदा है। वो एट द फार एंड ऑफ डे अपने जिंदगी दे उस दिन दे टारगेट नू पूरा कर लैंदे ने, क्योंकि उन्होंने वक्त नू मैनेज किया, सही समय ते दिन नू शुरू करके सही समय दे उत्ते अपने काम नू खत्म कर लिया। पर साथियों बहुत सारे योजे भी ने जिन्हे उस क्लॉक नू तां दब देंदे ने बंद, अलार्म क्लॉक नू उहदी आवाज़ नू आना बंद कर देंदे ने, पर उस तो बाद भी अपने उस दिन दे वक्त नू वे वक्त बना देंदे ने, उहनू अनशेड्यूल्ड बना देंदे ने। ते उहनां लोकां दा वक्त उस दिन दा किवें निकलदा है, एक छोटी जी एग्जाम्पल तुसीं अपने आले दुआले देखो। स्टूडेंट हो तो याद करो, जे सवेरे लेट हो तो स्कूल दे विच किस तरह हफरा तफरी दे नाल पहुँचते हो। जे अध्यापक हो, टीचर हो, इंप्लाई हो, किसी प्रोफेसर हो, किसी प्रोफेशनल थान दे उत्ते जॉब करते हो, किसी भी तरह की नौकरी करते हो, सवेरे जाते हो पहला किस तरह जाते हो, जेकर लेट हो, जेकर वक्त नू मैनेज नहीं किया। जे तुसी दुकानदार हो तो दुकान के उत्ते तुहाडे बहुत सारे गाहक जा चुके होंगे ने, जेकर वक्त नू मैनेज नहीं किया। जे डॉक्टर हो तो सारी जिंदगी का जो शेड्यूल किसी व्यक्ति का होंगे वह भी बिगड़ सकता है, सिर्फ इस करके क्योंकि डॉक्टर उस दिन मैनेज नहीं सी अपने टाइम के प्रति। आओ अपने टाइम नू मैनेज करिए, आओ अपना जो समा है, सानू पता है समा निश्चित है, एक दिन च 24 घंटे ही मिलने ने, असी इनू ना वधा सकते ना ही घटन वाला। करना की है, करना यह है कि इसनू मैनेज करिए, अपने वक्त नू शेड्यूल करिए। ये तुहाडे सामने एक सैंड टाइमर है, देख रहे हो मेरे सामने, इस दे उपर दे हिस्से तो नीचे आती हुई सैंड रेता एहसास करवांदा है इंसानी हाथ दा, कि इंसान दे हाथ दे विचों वक्त इसे तरह निकल जाएगा जेकर वह सही समय दे उते अलर्ट ना होया। आओ अपने समय दे मुल नू पहचानिए, समा बड़ा महत्वपूर्ण है। जेकर असी समय दा सदउपयोग ना कीता, अपनी जिंदगी दे सारे उद्देशों तो किते असी दूरी ना हो जाइए, जो साडे ऑब्जेक्टिव्स ने, साडे टारगेट्स ने, साडे गोल्स ने, वह कदे प्राप्त नहीं होणगे।
सो टाइम दी महत्ता नू पहचानी है। जे एक विद्यार्थी हो वक्त नू सही मैनेज करना है, ये तो समझ के जरूरी क्यों है, नहीं तो जिंदगी दे साडे जो उद्देश ने वह मीलों दूर हो जाएंगे तो असी पिछड़ के रह जाएंगे। सब तो पहला सही टाइम पर उठना, एग्जैक्टली उस टाइम के अनुसार उस टाइम नू पूरी तरह प्लैन करके स्कूल जा अपने कॉलेज जा जिस इंस्टीट्यूट भी जाते हो उत्थे सही समय पर पहुँचना। इस तो बाद उत्थे रेगुलर वे दे विच पीरियड नू अटेंड करना, टीचर्स नू सुनना उस प्रॉपर टाइम के अनुसार जो उत्थे अलॉट किया गया तुहानू, फिर वापिस घर आना विद इन टाइम आना, प्रॉपर रेस्ट भी करना है, खाने खाने का टाइम, फिर इस तो बाद सैल्फ स्टडी करनी, स्कूल या कॉलेज का काम भी करना है, इस तो बाद सैल्फ इवैल्यूएशन भी करनी है, घर के काम के विच भी थोड़ा हाथ बटाना है, सही टाइम पर सोना भी है, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना है, ये भी बहुत जरूरी है। अपने समय में वंड के चलो, पर एक गल ध्यान रखो, जिस टाइम जो काम कर रहे हो 100% मन के नाल करो, ये ना हो पढ़ते हुए खेड याद आ जाए, खेडते हुए पढ़ाई याद करिए, ऐवें नहीं होना चाहिए, फिर सारी मिसमैनेजमेंट हो जाएगी थोड़ी प्लैनिंग की, तो उस कॉन्सैप्ट की जिस टारगेट को तुम प्राप्त करना चाहते हो टारगेट थोड़े तो दूर होता चला जाएगा। ये कॉन्सैप्ट मैं सिर्फ स्टूडेंट्स लिए नहीं कह रहा, हर व्यक्ति के लिए अपनी लाइफ में प्लैन करना जरूरी है। दुकान पर जाते हो, जॉब पर जाते हो, सवेर तो लेकर शाम तक अपने टाइम को पूरा मैनेज करो, तुम देखोगे थोड़ा दिन बड़ा खूबसूरत होएगा। मैक्सिमम टाइम तुम देखोगे थोड़े सारे टारगेट्स उस दिन के पूरे हुए हुए होंगे। वक्त नू पहचानो, अपने टाइम नू प्लान करो प्रॉपरली। जेकर वक्त दी प्लान आउट सही होगी उसके अकॉर्डिंगली तुसी चले तो यही तो टाइम मैनेजमेंट है। थोड़ी मैनेजमेंट सही, थोड़ा वक्त सक्सैसफुल, तो तुसी जिंदगी सक्सैसफुल। थोड़ी मैनेजमेंट फेलियर टाइम के प्रति, थोड़ा वक्त का वह पार्ट भी फेलियर हो सकता है, तो कितने जिंदगी दे विच भी असी उस टारगेट के प्रति फेलियर ना हो जाइए। दुनिया के कई बार सर्वे करके देखा जाता है, बड़िया एजेंसीज ने जो सर्वे कर दिया ने कि दुनिया के कि लोग ने, किस देश के दे लोग ने जोड़े बहुत पंक्चुअल ने, उस मैक्सिमम टाइम यूरोपियन कंट्रीज का नाम आता है, जिदे स्विट्जरलैंड है, एशिया के जापान का नंबर आता है, जर्मनी है, डेनमार्क है, ग्रेट ब्रिटेन है, आयरलैंड है, इन लोगों के जो पंक्चुअलिटी का लैवल है ये टॉप मोस्ट प्लेसिस के उत्ते है। साथियों मैं नतमस्तक होना है पीटर हैनलिन दे अगे। तुसी सोचोगे पीटर हैनलिन कौन है? पीटर हैनलिन एक लॉकस्मिथ सी। लॉकस्मिथ का मतलब गोल्डस्मिथ का सुने, गहने बनाने वाला। लॉकस्मिथ जिहड़ा ताले बनाता सी, उस ताले बनाने वाले ने साडी जिंदगी नूं एक खूबसूरत ताले दे विच बन्नना सिखाया। उसने सब तो पहली बारी जो अज का मॉडर्न क्लॉक तुसी देखदे हो ना टिक 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 चलता होया, इसनों साढ़े सामने पेश किया। पहला बनाने वाला व्यक्ति जो अज का मॉडर्न क्लॉक से वह पीटर हैनलिन सी। उस द्वारा बनाए हुए क्लॉक दियाँ सुइया या टिक टिक अजकल मोबाइल के उत्ते चलता हुआ टाइमर सानू एहसास करवाता है वक्त निकल रहा है, वक्त निकल रहा है, इसनों संभालो, इसनों अजाया ना जान दो। जदों जिंदगी दे विच बहुत समा वेले बैठ के गुजारिया जाता है, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ के उत्ते गुजारिया जाता है, जिन्हां दे रिटर्न दे विच सानू कुछ नहीं मिलने वाला, ना रिलैक्सेशन मिलने वाली, ना असी रिफ्रैश होने वाले, सिर्फ तो सिर्फ समय की बर्बादी होंदी है, सानू उसनू रोकना पएगा। जेकर असी अपनी लाइफ नू मैनेज करना है सानू उस बर्बादी नू रोकना पएगा। किसी सत्त दे उत्ते बैठ के किसी बाहर होटल्स दे विच कदे एंटरटेन करना तो ठीक है, पर लेकिन उस समय की दुरवरतों करनी जिहड़ा कि एक वैल्यूएबल टाइम सी जिंदगी दियां प्राप्तियां दे लई, उत्थे समा व्यर्थ करना सचमुच यह अपने आप के प्रति बहुत वड्डा घातक एक हथियार सिद्ध होंदा है। एक फिलोसफर ने उन्हां दी वर्डिंग मैं तुहाडे नाल सांझी करना चाहुंदा अज दे इस इशू दे विच। द मोस्ट क्रूशल टास्क इन दिस वर्ल्ड इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, शेड्यूलिंग एंड बजटिंग वंस टाइम। दुनिया का अज सब तो महान ते सब तो क्रूशियल, सब तो इंपॉर्टेंट जो काम है किसी भी व्यक्ति दे लई, अपने समय नू प्रॉपर ढंग दे नाल ऑर्गेनाइज करना, शेड्यूल्ड करना, बजट की तरह ध्यान नाल उहदी खर्च करनी, उहदा बजट तैयार करना समय का,
इस आर्ट नूं सीखना ही अज दे समें दा सब तो इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये बिल्कुल सच भी है। जे सानूं इह आर्ट आ गई साढ़े अंदर, जेकर इह आर्ट है कि असी समय नूं किवें अरेंज करते हाँ, किस तरह उहदा एक प्लैन शड्यूल तैयार करते हाँ, फिर उहनूं इंप्लीमेंट करते हाँ लाइफ दे विच, ते जिवें असी घर दे बजट नूं चलाने हैं, समय नूं भी जेकर इस तरह प्लैंड वे दे विच चलाइए, तां उस हालत दे विच कदे भी टाइम एज ए फेलियर टाइम प्रूव नहीं होंदा जिंदगी च। जेकर टाइम नूं असी मैनेज करना है सिंपल जे ढंग ने, हर व्यक्ति अपने ढंग नाल कर सकदा, एक फोर क्वाड्रेंट वे चलदा है कि अपने काम नूं चार हिस्सों च वंड लो। तुहाडे सामने मैं तुहाडे सामने एक पिक्चर शो कर रहा है, काम दे मतलब यही चार हिस्से ने जिसनों मैं रेड ग्रीन येलो ते पैरट कलर दे नाल दिखाया है। रेड ग्रीन येलो एंड पैरट चार कलर ने। ध्यान नाल देखो अपने काम ज़्यादातर की होंदे ने, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, यही होंदे ने ना काम, महत्वपूर्ण है नहीं महत्वपूर्ण है, उस तो इलावा अर्जेंट है बहुत जरूरी है, नॉट अर्जेंट इन्ना अर्जेंट नहीं है। जेकर अपने टाइम नूं असी शेड्यूल्ड करना है, उहदी बेस्ट वरतों करनी है, एक गल ध्यान रखो हर दिन दे काम नूं इस तरह शेड्यूल च वंड लो। सब तो पहला जे काम करना है जो मैं इत्थे रेड जोन दे विच दिखाया है, इस इन्हां कामां नूं करो जो बहुत अर्जेंट ते बहुत इंपॉर्टेंट ने, उन्हां नूं अज ही करना जरूरी है, महत्वपूर्ण तां है ही गे, क्योंकि कई महत्वपूर्ण काम सालां तक चलदे ने। जो अज दा काम है इंपॉर्टेंट भी है ते अर्जेंट भी है। फिर जेकर करना है उन्हां कामां नूं करे जिहड़े इंपॉर्टेंट तां बहुत ने पर नॉट सो अर्जेंट, इन्ने अर्जेंट नहीं कि सब तो पहला उन्हां नूं करना है। तीसरा है साढ़े कोल येलो जोन दे विच, जो काम इन्ने इंपॉर्टेंट तां नहीं हैगे बट अर्जेंट ने उन्हां नूं करो। ते लास्ट दे विच जेकर टाइम बचदा है तां जिहड़े अर्जेंट भी नहीं हैगे ते जिहड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं, उन्हां कामां नूं करो। तुसीं अपने टाइम नूं इस तरह शेड्यूल्ड करके देखो, तुसीं देखो कि वक्त दा बेस्ट यूटिलाइजेशन होएगा। एज ए स्टूडेंट असीं कई बार टाइम टेबल बनाने हैं, घर दे विच इस तरह पढ़ांगे पर बड़ी जल्दी फेलियर हो जांदे हैं उहदे विच। अज दे टाइम दे विच सब तो वड्डा फेलियर दा कारण जेकर बच्चों के लिए प्रूफ होंदा है, वह होंदा सोशल मीडिया। ये वड्डे बच्चों के लिए नहीं, वड्डियां दे लई भी हो रहा है। कोल पिया होया मोबाइल तुहाडे जरूरी काम दे विच एक बहुत वड्डी रुकावट बन जांदा है। जस्ट एक बारी मोबाइल ते रोशनी ब्लिंक करती है, कोई नोटिफिकेशन आंदा है, असी एक बारी मोबाइल चक लैंदे हैं, व्हाट्सएप देखण लगदे हैं, यूट्यूब देखण लगदे हैं, देखना एक मैसेज या एक वीडियो होंदी है, लेकिन उस तो अगे अनएंडिंग वे दे विच पता लगदा है कि 3 घंटे हो गए। सोचो स्टूडेंट्स, 3 घंटे तो बाद असी रिफ्रेश नहीं होंदे, काम भी साडा पिछे रह चुक्या होंदा है, दूसरा सिर भी दुखन लग जांदा है, बहुत सारा स्ट्रेस महसूस होंदा है। दूसरे पासे स्ट्रेस इस चीज़ का होंदा है कि जिहड़ा काम उस टाइम करना सी वह नहीं होया। जनरली स्टूडेंट्स नाल बहुत बार होंदा है किसी टॉपिक नूं शुरू कीता है लेकिन सोशल मीडिया दे विच इस तरह खोए कि जो काम करना सी, जो स्टडी नाल रिलेटेड सी, किसी आम व्यक्ति दे लई भी असीं देखदे हां आराम करन दे लई बैड ते पिया, जो वक्त उहदा आराम करन दा सी, पर रात नूं 10 बजे भी मैसेज ब्लिंक होया, बस फिर शुरू हो गए एक वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, अनएंडिंग वीडियोज, अनएंडिंग मैसेजिज, ते बहुत सारे मिसगाइड करने वाले मैसेजिज एंड वीडियोज साढ़े बहुमुली वक्त का बर्बादी करन दा वड्डा कारण बन जाते हैं। इस चीज़ नूं मैनेज करो। जदों बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो उदों इहो जे नोटिफिकेशन नूं अपने तो दूर रखो, अपने काम नूं प्लैन करो फोर क्वाड्रेंट्स वे दे विच, उसके अनुसार उस टारगेट नूं पूरा करन दी कोशिश करो। जेकर असी इस तरह कर लैंदे हां असी अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं, अपने ते कंट्रोल भी रखते हैं, तो जिंदगी दे जो टारगेट ने उस दिन का टारगेट है वक्त यूटिलाइजेशन का वह भी पूरा होंदा है। हर दिन के नाल ही जिंदगी बनती है तो जिंदगी के टारगेट भी पूरे होंदे ने। तुसी अपने वक्त का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया या नहीं किया इस दे जज किसी दूसरे व्यक्ति नूं असीं कदे नहीं मन सकते, इंसान खुद का जज खुद होंदा है। जदों मैं वक्त के महत्व की गल कर रहा हैं, वैल्यू ऑफ टाइम की गल कर रहा हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की गल हो रही है, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा जरूरी हो जाता है ये, क्योंकि उत्थे कुछ समझ जिंदगी की जिहड़ी मैच्योरिटी है उस लैवल तक नहीं पहुँची होंगी, उन्होंने लिए टाइम नूं मैनेज करना होर भी बड़ा जरूरी है। अपने हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने काम नूं शेड्यूल्ड करके रखो, हर सब्जेक्ट नूं टाइम दो, बाद दे विच पछताना नहीं पैंदा।
ਕੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਚੌਥੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਰਸੋਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਵਾਕ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਮ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਫਿੱਟ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ। ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੋ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਬਣੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਵੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਵਰਕ ਸਮਾਰਟਰ ਨਾਟ ਹਾਰਡਰ। ਸਮਾਰਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੇਮਤਲਬਾ ਬੋਝ ਨਾ ਡਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਮਤਲਬਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ 100% ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਾਈਸੈਲਫ ਹਿਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਊਂਗਾ, ਵਕਤ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਊਂਗਾ, ਮੁਝੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਬ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੋ ਤੁਝੇ ਹਸਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਰੁਲਾਊਂਗਾ, ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਪਲ ਮੇ ਹੀ ਜੀ ਲੇ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵਰਤਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਪਲ ਕੋ ਹੀ ਜੀ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹਾਲ ਮੇ ਇਸ ਪਲ ਕੋ ਅਗਲੇ ਪਲ ਤੱਕ ਨਾ ਰੋਕ ਪਾਊਂਗਾ। ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਪਲ ਕੋ ਜੀ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹਾਲ ਮੇ ਇਸ ਪਲ ਕੋ ਅਗਲੇ ਪਲ ਤੱਕ ਨਾ ਰੋਕ ਪਾਊਂਗਾ, ਵਕਤ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਊਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।